महाराष्ट्रियन फूड तो हमने साथ मिलकर बहुत बार खाया है अपने चैनल पे, मगर ये हमारा रेगुलर वाला साबुदाना वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, बटाटा वड़ा, ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। बल्कि महाराष्ट्र के जो बहुत सारे डिविजन्स हैं, जैसे कि खानदेश है, कोकण है, विदर्भ है, वेस्ट महाराष्ट्र है, लाइक कोल्हापुर, पुणे, सांगली, सातारा, इन सारी जगहों पे जो लोकल घरों के अंदर खाना बनाया जाता है, वो सारी ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन डिशेस जो कॉमनली कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ मैं। तो आइए चलते हैं मेकुट होटल मुलुंड में, जहाँ पे मैं आपको बहुत 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 सारा ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन खाना दिखाने वाली हूँ। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। खास बात है होटल मेतकूट मुलुंड की, यहाँ पे ये बड़े बड़े फ्रेम्स लगे हुए हैं जो महाराष्ट्र के ज्योग्राफिकल डिविजन्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सारे फ्रेम्स में बताया जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोंकण है, तो कोंकण के का जो कल्चर है वो कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है, जो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बीच बीच में दिखाने वाली हूँ। मेरे स्टार्टर्स आ चुके हैं और आज मैंने कुछ ऐसी डिशेस ऑर्डर की है जो ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड सर्व करने वाले रेस्टोरेंट में भी आप जाओगे तो ज़्यादातर चीज़ें इसमें से नहीं मिलेंगी। मैंने लिया है मटार पैटिस। मटार पैटिस दिखने में तो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छे से फ्राई की है, टेक्स्चर बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। साथ में सर्व की है ग्रीन चटनी, तो देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो इसका जो कवर है, इट सीम्स टू बी पोटैटो, जैसे हम उपवास का पैटिस लेते हैं ना, उसका ऊपर का जो कवर रहता है, अंदर आलू की स्टफिंग होती है, तो सिमिलर रेसिपी लग रहा है ये। अंदर जो है मटर को क्रश करके भी डाला है एंड होल ग्रीन पीस भी डाला है। मटर पैटिस के साथ इन्होंने एक और चटनी दी हुई है जो अलग दिखाई दे रही है, तिखट गोड़ चटनी है ये। सो मेतकूट में ये जो चटनी मैंने आज खाई है, पहली बार मैंने ऐसी रेस्टोरेंट में कोई चटनी खाई है। गुड़ का टेस्ट आ रहा है इसमें एंड इट्स टुवर्ड्स द स्वीटर साइड, और मटर पैटिस के साथ में बहुत अच्छी लग रही है। एंड द सेकंड स्टार्टर दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज फनसाचे कटलेट, विच इज जैक फ्रूट का कटलेट। ये अंदर देखिए फनस दिखाई दे रहा है एकदम, इट इज रियली वेरी क्रिस्प। स्वाद देखते हैं कैसा है। और ऐसी भी कोई चीज़ मैंने पहली बार देखी है, मतलब फनस जो कि जैकफ्रूट होता है एकदम दिखाई दे रहा है इसके अंदर, एकदम विजिबल है। और ग्रीन चटनी के साथ में खाएंगे इसको, बहुत ही क्रिस्प लग रहा है, बढ़िया टेस्ट है एकदम, द टेस्ट इज डिस्टिंक्ट। तो ये फनसाचे कटलेट तो इज अ मस्ट ट्राई इफ यू रियली वॉन्ट टू ट्राई ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड। ये एक और तरह की चटनी सर्व की है जो काफ़ी डिफरेंट है पहले वाली चटनी से, एंड दिस इज पूड़ा की चटनी, मैंने ये कभी नहीं टेस्ट की है। एंड इट सीम्स कि मेतकूट रेस्टोरेंट में जो स्नैक्स है ये तो ऑथेंटिक महाराष्ट्र मिलते ही हैं, अलग अलग तरह के चटनी की भी काफ़ी सारी वैरायटी है यहाँ पे। सो लेट्स टेस्ट ओनली द चटनी। दिस इज ऑल्सो स्वीट बट एट द सेम टाइम इट इज हॉट, मतलब हल्का सा तीखा। द फ्लेवर इज़ वेरी बैलेंस्ड एंड इसका भी बहुत बढ़िया टेस्ट है। हम लोग रेगुलरली यहाँ पे आते हैं मेतकूट में, यहाँ का हम लोग का ज्वारी का भाकरी, तांदूर का भाकरी, वो सब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आज हम लोग ने वेज कुरमा अक्खा मसूर का सब्जी मंगाया, वो दोनों भी अच्छे हैं। हम लोग रेगुलरली आते हैं और वैसा टिपिकल महाराष्ट्रियन खाना खाने मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। ये अपना गावरान थाली है, ये है डाळीचा पिठलं, मिश्र कडधान्याची भाजी है, स्प्राउट्स है, मिक्स स्प्राउट्स है, दाल मेथी है, शेव भाजी है, गुलाब जामुन है, सलाड्स में दही काकड़ी है, सुरन वड़ा है, स्टार्टर्स में पुड़ा ची वड़ी है, ये सांग्याची मिर्ची है फ्राई करके देते, ये खमंग मेतकूट चटनी है, खेचा है, सोलापुरी चटनी, ये काराळ्याची चटनी, चार चटनी है, सादा ताक, राइस है सादा, ज्वारीची भाकरी, नाचनी पापड़। देखा मैंने बोला था ना आपको कि आज हम लोग इतने सारे डिशेस ट्राई करने वाले हैं जो कॉमनली मिलते नहीं है, सिर्फ मेतकूट रेस्टोरेंट में ही आपको मिलेंगे ये ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन डिशेस। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस, क्योंकि बहुत सारे नाम ही ऐसे हैं जो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। तो चलिए ट्राई करते हैं स्टार्टर्स से। ये सूरन वड़ा है, ये सूरन वड़ा पहली बार देखा है, सो एज ऑलवेज विल ट्राई इट विदाउट द चटनी टू नो द ओरिजिनल टेस्ट। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर बटाटा वड़ा, देखने में लगता है बिल्कुल सेम बट टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है। हल्का सा खट्टापन है इसके अंदर
दैट इज बिकॉज ये लोग कोकम भी इसमें ऐड करते हैं ताकि सूरन का टेस्ट जो होता है ना बहुत ब्लैंड होता है. अगर हम इसमें कुछ ऐड करेंगे उसको कुछ एक डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए तभी वो टेस्टी लगता है. तो हल्का सा खट्टा लग रहा है. तो ये है पुड़ाची वड़ी. ये भी मैंने बहुत सुना है महाराष्ट्र डिश पुड़ाची वड़ी, बट कभी इसे खाया नहीं है मैंने. और इसे मैं खाऊंगी ये जो पुड़ाची चटनी इन्होंने पहले हमें दी थी उसके साथ में. इसमें नारियल जो होता है ना खोबरा, उसका टेस्ट आ रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग. ये बेसन की कुछ पट्टियाँ बनाई जाती है और उसके ऊपर ये स्टफिंग की जाती है इसकी, और इसे ही पुड़ाची वड़ी बोलते हैं. अ वेरी डिलिशियस स्नैक. ज्वारी ची भाकरी इन्होंने दी है जो हमने बहुत बार ट्राई की है और आज भी यहाँ पे ट्राई करेंगे. बहुत सॉफ्ट है ये, थोड़ी सी थिक है ये यूजुअली जो मैंने खाई है उससे ज़्यादा. एंड नाचनी का पापड़ दिया है साथ में, तो चलिए ट्राई करते हैं शेव भाजी के साथ में. थिक ग्रेवी दिखाई दे रही है मुझे इसमें और ये शेव इसके ऊपर से डालते हैं. तो चलिए इसे खाते हैं ज्वारी ची भाकरी के साथ. जो शेव भाजी है मैंने पहले भी एक दो बार ट्राई की है, अलग टेस्ट होता है काफ़ी. यहाँ पे इसका टेस्ट अलग है. जो ऊपर से शेव डाले हैं इन्होंने ये बहुत फ्रेश है, अच्छा क्रंच दे रहे हैं. और ये जो ग्रेवी है ना, जो थिक ग्रेवी है, एक्चुअली ये विदर्भ साइड की रेसिपी है. तो आई थिंक ये वहाँ के कुछ मसाले इन्होंने यूज़ किए जिसकी वजह से ना एक अलग डिस्टिंक्ट टेस्ट आ रहा है. इन्होंने साथ में दिया है ये मिक्स्ड स्प्राउट्स, मिश्र कड़धान्य इसे बोलते हैं यहाँ पे. काबुली चना दिखाई दे रहा है, सफ़ेद वटाना है, एंड आई थिंक मूंग मटकी ऑल दोस टाइप्स. सो लेट्स ट्राई दिस. ऐसा लग रहा है ना कि घर में बनाया और वो मैं खा रही हूँ, तब अच्छा इसका बढ़िया टेस्ट है. जब मैंने सेव भाजी खाई हल्का सा जो ग्रेवी थी ना रेस्टोरेंट ग्रेवी को रिजेंबल कर रही थी. पिटला दिया है साथ में, तो ज्वारी ची भाकरी के साथ में तो पिज्जा का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है. मैंने पहले भी खाया था आई लव मिसल के मेरे वीडियो में. अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया हो तो मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप ज़रूर देखें ज्वारी ची भाकरी विद पिटला ट्राई. वाओ, मैं तो देख के ही मुँह में पानी आ रहा है बिकॉज आई नो हाउ गुड द रेसिपीज. बारीक बारीक प्याज के इसमें पीसेस दिखाई दे रहे हैं, हल्का सा चॉप किया हुआ अनियन जैसे. इट इज़ टू गुड, दिस इज सो डिलीशियस. मैंने जहाँ भी पहले अगर रेस्टोरेंट में खाया है पिटला फीका होता है और साथ में मिर्ची सा ठेचा दे देते हैं, बट ये हल्का सा चटपटा है, बहुत मज़ा आ गया इसको खा के. एंड ठेचा वगैरह तो दिया है बट आई प्रेफर इट हैविंग दिस वे ओनली. और मैं आपको बोलूँ ना, इसको तो आप ऐसे ही खा सकते हो, यू डोंट नीड एनी भाकरी एंड ऑल टू एन्जॉय दिस. बेसन से बनाया जाता है इसे, अगर भाकरी के साथ में खाते हैं और साथ में होता है कांदा उसको अच्छे से फोड़ के और मिर्ची सा ठेचा. तो मेरे को तो देख देख के और मुँह में पानी आ रहा है. सो आई एम गोइंग टू हैव दिस, उसके बाद मैं आपको बाकी के डिशेस बताती हूँ. ये सानिया ची मिर्ची दी है इन्होंने, सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस डिश फॉर द फर्स्ट टाइम. ये सानिया सा मसाला इसमें भरा हुआ है और मिर्ची में डाल के इसे फ्राई किया गया है. वैसे तो इसे सब्जी और भाकरी के साथ में खाते हैं, बट मैं इसे आज ऐसे ही ट्राई करने वाली हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि टेस्ट कैसा है. हल्का सा तीखे वाले साइड पे है और इसमें बहुत सारे मसालों का कॉम्बिनेशन है. तो जो तारलिया ची चटनी हमने खाई थी थोड़ा बहुत वैसा टेस्ट है. हल्का सा बेसन है इसमें. तो सब्जी रोटी जब हम खाते हैं बीच बीच में इसका बाइट्स लेना अच्छा लगेगा. यू शुड ट्राई दिस गावरान थाली, बहुत ही रस्टिक टेस्ट है इसका. जो लोकल महाराष्ट्रियन जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे जो मुझे लगता है जो घर में बनाई जाती है सब्जियाँ और जो इनके जो ये चटनियाँ हैं प्लस ये सानिया ची मिर्ची है ये सारी चीज़ें आई थिंक वहाँ पे बनती होगी. वो मुलुंड में होटल मेटकूट ने आपको यहाँ पे लाकर दी है. तो इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी. इफ़ यू आर रियली फॉन्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ फूड यू शुड डेफिनेटली विजिट हियर. तो मिर्ची के ऊपर तो मैं खाने वाली हूँ दही काकड़ी का सैलड, एंड दिस इज दाल मेथी. तो ये तुअर की दाल है, सिर्फ मेथी डाली हुई है. सिंपल प्लेन प्रेपरेशन दिखाई दे रहा है. सिंपल ये टेस्टी. ये खाना आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगा. इट्स वेरी लाइट एंड जैसे मैंने बताया ना मोर टूवर्ड्स होम स्टाइल कुकिंग. साथ में इन्होंने बटर मिल्क भी दी है प्लस दिस गुलाब जामुन. और ये मुझे इतने सारे डिशेस इन्होंने दे दिए हैं क्योंकि इनको जैसे पता चला मुझे ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड में बहुत इंटरेस्ट है. ये भी सारे ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन डिशेस ही हैं जो घर में इनके लोकली बनाए जाते हैं. तो चलिए शाया ची भाजी देखते हैं कैसी है. टमाटर प्याज का मसाला है, स्लिट करके हरी मिर्च डाली हुई है इसमें. और ये है शाया. तांदळा ची भाकरी है यानी कि चावल की रोटी, इसके साथ में हम ट्राई करेंगे. और थोड़ी सी शाया ची भाजी मैं यहाँ पर ले लेती हूँ.
पहले कभी सुना नहीं है ये नाम, और आज ही अभी मुझे यहाँ पे आके पता चला कि जो नारियल पानी होता है ना टेंडर कोकोनट, उसके अंदर की जो मलाई होती है ना, दैट इज कॉल्ड शाड़ा। तो उसकी ये लोग सब्जी बनाते हैं, बहुत ही यूनिक है। सो लेट्स ट्राई दिस। दिस हैज़ अ वेरी नाइस टेस्ट। यू नो, कोई सोच भी नहीं सकता था कि नारियल पानी की मलाई की ऐसी सब्जी बनाई जा सकती है। टेस्ट इज एंटायरली डिफरेंट, और जो शाहरा है ना सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये पातोड़ी रस्सा मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। ये जो पातोड़ी है ये बेसन से बनाई जाती है। अंदर से देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे स्पाइसेस इसमें डाले हुए हैं और कलर थोड़ा सा रेडिश है अंदर से। तो दिस पातोड़ी इज रियली क्रंची। शेव भाजी वाली ग्रेवी है रेस्टोरेंट स्टाइल, इट्स ओके बट द पातोड़ी इज गुड। तो ये है तूप मेथकूट भात। तो एक्चुअली मेथकूट क्या होता है, कुछ मसाला होता है, पाउडर होता है। तो तूप यानी कि घी, तो घी में ही इसे बनाते हैं और बनाने के बाद भी ऊपर से घी डाल के इसे खाते हैं। अ स्मॉल जार ऑफ घी, इजंट इट लुकिंग सो क्यूट। तो द गुडनेस ऑफ घी, और जैसे सिंपल दाल राइस का प्रेपरेशन होता है ना घर में, वैसा प्रेपरेशन है ये, बट इसमें जो मेथकूट पाउडर डाला है उसका डिस्टिंक्टनेस है। खट मीठाचा पूरा, कलर देख के ही पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत तो तीखा होगा ही इसमें ज़रूर। ये तिखट मीठाचा पूरा तो वाकई में बहुत ही टेस्टी है। जब मैंने मेन्यू में पढ़ा तिखट मीठाचा पूरा, तो मुझे क्या लगा कि तीखा यानी कि चिली पाउडर और मीठ यानी कि नमक, तो वो आटे में गूंद के और बस बना दिया है। बट नो, दिस इज़ एंटायरली अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिश, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। आई डोंट नो तिखट मीन्स इन्होंने क्या मसाला यूज़ किया है, बट इट टेस्ट रियली फैंटास्टिक। मैं यहाँ रेगुलर आता हूँ, यहाँ बहुत नीट हाइजीन मिलता है, उपवास के आइटम बहुत अच्छे मिलते हैं। फिलहाल मैं साबूदाना खिचड़ी खा रहा हूँ, मेरा मंडे फास्ट रहता है एंड आई एम एंजॉयिंग इट। ये है डाइम्बी उसल कॉम्बो, ये अनदर आइटम इन महाराष्ट्रियन क्यूजीन। और मैंने बहुत सुना है डाइम्बी उसल वाला चढ़ा, बट हैवेंट ट्राइड येट, क्योंकि जब भी हम गए मैंने अपने जो फेवरेट आइटम्स है ना सारे वही ट्राई किए, साबूदाना वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, ये सब। बट अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ और नई चीज़ें जो हमें पता नहीं है उसे दिखाना चाहिए। आइए देखते हैं ये डाइम्बीची उसल क्या चीज़ है। इसमें जो होते हैं ना ये वाल डाले जाते हैं, आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बट हम लोग भी वाल ही बोलते हैं क्योंकि मैं शुरू से यहीं पे मुंबई में रहते हैं। तो और ये है टमाटो सार, पूरी दी है इन्होंने, साथ में एक कोथिंबीर वड़ी दी है। वाओ, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। और दिस इज़ कोल्डई गुलाब जामुन, और जो हमने पहले खाई सांग्याची मिर्ची, और द सेम चटनीज। ओके, फर्स्ट बाइट ऑफ डायम्बी उसल। सो कोंकणी साइड की डिशेस में आता है ये डायम्बी उसल एंड टमाटो सार बहुत, और जहाँ पे कोकोनट बहुत अबंडेंस में होता है और एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। एंड आई ऑल्सो टेस्ट द टोमेटो सार, दिस इज टू गुड। हल्का सा खट्टा टेस्ट है और नारियल इसमें भी यूज़ किया गया है। तो ये है तूप वरण भात कॉम्बो, और बहुत ही सिंपल फूड है, इसे भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पर फिलहाल मैं इसमें से थोड़ा सा राइस ले रही हूँ अपने लिए, और मैं इसको खाने वाली हूँ टोमेटो सार के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये टमाटो सार मुझे राइस के साथ खाना है। इस थाली में चावल अवेलेबल नहीं है, तो या तो आपको सेपरेटली ऑर्डर करना पड़ेगा, बट व्हाटएवर, अगर आप टमाटो सार ले रहे हो तो बिल्कुल भी राइस के साथ खाना मत भूलिएगा। अगर आप महाराष्ट्रियन फूड पसंद करते हो तो अभी इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए अपने नॉन महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी आके यहाँ पे ये डिशेस ट्राई करने मिले। ऑल्सो अपने महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें पता चले कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ऐसा है जो सिर्फ महाराष्ट्रियन क्यूजीन सर्व करता है, एंड दैट टू वेरी ऑथेंटिक। सो इट इज़ अ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स, यू नो, अ मिक्स ऑफ बहुत सारे मसाले जो इन्होंने डाले हैं, जो मेथकूट पाउडर होता है, जो एक्चुअली बहुत सारे मसालों को मिला के बनाया जाता है, समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक। तो यह है तूप वरण भात कॉम्बो, और इसमें खमंग काकड़ी, सोली बटाटा की भाजी, तूप यानी कि घी दिया हुआ है, सादा वरण यानी कि प्लेन दाल एंड प्लेन राइस, साथ में चार चटनीज हैं एंड पापड़ दिया हुआ है। वरण भात को ट्राई करते हैं, घी डालेंगे इसमें, जैसे हम घर में खाते हैं, यू नो, प्लेन दाल राइस विद घी। साथ में ये सोली बटाटा की भाजी, तो इसमें मुझे दिख रहा है राई, जीरा, कड़ी पत्ता, एंड दिस इज़ बॉइल्ड पटेटोज की सब्जी, जो महाराष्ट्रियन डेलिकेसी है, कॉमनली अवेलेबल, बहुत अच्छी लगती है, वेरी सिंपल, टेस्टी,
जिसका तड़का होता है ना उसी में टेस्ट होता है। अगर तड़का सही है सब्जी भी सही है। अगर आपका मन कर रहा है कि कुछ हल्का फुल्का खाया जाए जो होममेड मील को रिजेंबल करे तो आप ये चीज़ ऑर्डर कर सकते हो। और हाँ, इसके साथ में पापड़, एक्चुअली जैसे मैंने पापड़ प्लेटर आपको दिखाया था तो मैं खाना भूल ही गई। देयर इज अ वैरायटी ऑफ पापड़, मिरकुंडा पापड़ पोहे, मिरकुंडा पापड़ है, उड़ीद पापड़ है, सादा अपना नाचनी पापड़ है, साबुदाना पापड़ है और ये कुरड़ाई पापड़ है। कुरमा भाजी ओवर हियर वाज गुड, आल्सो अक्खा मसूर वाज ब्यूटीफुल एंड भाकरी। सो इट्स टाइम फॉर स्वीट्स। इतने सारे ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड डिशेस खा के अब ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्वीट्स भी हमें ट्राई कर रहे हैं। पुरणपोली, सो ये चने की दाल की स्टफिंग होती है, गुड़ डाला जाता है इसमें, ऐसे घी के साथ में ट्राई करेंगे। This is the most delicious puran poli I've ever had. जो आटा इन्होंने यूज किया है इसमें, that is गेहूं and मैदा mix. The absolute perfect proportion, I should say. Really tastes divine, believe me. So next is the ukriche modak. बहुत ही juicy इसकी stuffing दिखाई दे रही है। तो ये basically चावल के आटे को steam करके इसका cover बनाया जाता है और अंदर की जो stuffing होती है that is नारियल यूज़ किया जाता है उसमें और गुड़ यूज़ किया जाता है। तो आज हम इतना सारा घी खाने वाले हैं। वाओ, द स्टफिंग लुक्स सो गुड। जो घी डाल के खाया ना इसके ऊपर, वाओ इट्स सो अमेजिंग। लुक एट द साइज ऑफ द मोदक, इट इज़ सो बिग और इसका जो टेस्ट है ये बहुत ही बढ़िया है। द बासुंदी इज चिल्ड और हल्के हल्के चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं इसमें, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई कैन टेल यू कि तीनों स्वीट्स में से कौन से अच्छे हैं और मेरे हिसाब से आपको ये तीनों ही ट्राई करने चाहिए। इतना सारा खाना खाया है मैंने, बाकी का सारा पैक करवा लिया है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए तो दो डाइजेस्टर्स चाहिए ही। तो सोल कड़ी ट्राई करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स दैट सर्व महाराष्ट्रियन फूड सोल कड़ी सर्व करते ही हैं, ऑलमोस्ट सभी में अच्छा ही टेस्ट होता है। सो दिस इज़ अ कोकम सोडा, टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। ऐसा वाला कोकम सोडा मैंने पहली बार पिया है। जीरा डाला हुआ है इसमें बहुत सारा, कोकम तो ऑफकोर्स है, सोडा डाला हुआ है, बहुत ही अलग टेस्ट आ रहा है जो बहुत बढ़िया लग रहा है। और यूनिक बेवरेज जिसे पीने के लिए आपको होटल मेथकुट मुलन में आना पड़ेगा। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो।